हेलो माय लवली चिल्ड्रंस, वेलकम बैक टू अवर स्कूल यूट्यूब चैनल। बेटा, हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर में। आज हम सेकंड लेक्चर की बात करेंगे क्लास टेंथ के, जिसमें हमारा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। तो बेटा, ऑटोट्रॉफिक में हमने क्या पढ़ा था कि वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर रहे थे, बट ऐसा हेटरोट्रॉफिक में नहीं होता है। तो दोस ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड डिपेंड्स ऑन देयर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स। बेटा, ऐसे ऑर्गेनिजम्स, इसमें जो है ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एटमोसफेयर से लेके जो है अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते, और वो डिपेंड रहते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स पर, किसके लिए? फूड के लिए। और उनको क्या बोलते हैं हम? हेटरोट्रॉफ्स। ऑल एनिमल्स मोस्ट बैक्टीरिया, इसमें बेटा देखिए हमने लिखा हुआ है ऑल एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं, मोस्ट बैक्टीरिया एंड फंगी जो है वो भी आर कंसिडर्ड इन दी कैटेगरी ऑफ हेटरोट्रॉफ्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। द वेरियस ऑर्गेनिजम्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन सीक्वेंस आर। बेटा, जो डाइजेशन होता है ना ह्यूमन बींग्स में, डाइजेस्टिव सिस्टम है उस, वो एक क्या होता है, सीक्वेंस में होता है, जिसमें फर्स्ट क्या है, फूड जो है सबसे पहले एंटर करेगा माउथ में, उसके बाद इसोफेगस में, फिर स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट, इसके साथ साथ क्या होती हैं, कुछ ग्लांड्स भी होती हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प कराती हैं। दी ग्लांड्स विच आर एसोसिएटेड विद द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आर, जैसे सेलेवरी ग्लांड्स, लीवर एंड पेनक्रियाज। दी वेरियस स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स आर एज फॉलो। फर्स्ट पार्ट है हमारा इंजेशन। इसमें क्या होता है बेटा, इन ह्यूमन बींग्स में फूड इज इंजेस्टेड थ्रू द माउथ, द फूड इज पुट इनटू द माउथ विद द हेल्प ऑफ हैंड। बेटा क्या होता है कि जो ह्यूमन बींग्स है उसमें फूड को क्या करा जाता है, माउथ के माध्यम से इंजेस्ट किया जाता है। ये फूड जो है हैंड्स के थ्रू क्या कराया जाता है, माउथ में एंटर करवाया जाता है। नेक्स्ट हमारा स्टेप है डाइजेशन। दी डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन द माउथ। बेटा डाइजेशन की प्रोसेस हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से। दी टीथ कट दी फूड इनटू स्मॉल पीसेस, उसमें क्या होते हैं, टीथ होते हैं और टंग होती है। तो टीथ जो है वो फूड को क्या कर देते हैं, स्मॉल पीसेज में जो है क्या करते हैं, उसको ब्रेक कर देते हैं और उसको ग्राइंड करते हैं। दी सैलाइवरी ग्लांड्स इन अवर माउथ। बेटा सैलाइवरी ग्लांड्स जो होती है वो हमारी टंग में होती है, और उनका जो मेन काम है वो क्या है, प्रोड्यूस सलाइवा विद कंटेंट्स एंड एंजाइम सेलिवरी एमाइलेज विच डाइजेस्ट दी स्टार्च प्रेजेंट्स इन दी फूड इनटू शुगर। बेटा हमारे माउथ में जो सेलिवरी ग्लांड्स होंगी वो क्या करती हैं, सलाइवा को प्रोड्यूस करती हैं, जिसमें एक क्या होता है, मतलब एंजाइम होता है, सेलिवरी एमाइलेज एंजाइम, इसका नाम आपको याद रखना है, एंजाइम का सेलिवरी एमाइलेज होता है, जो फूड में क्या करता है, मौजूद जो मतलब प्रेजेंट होता है स्टार्च को शुगर में डाइजेस्ट कराता है। नेक्स्ट है हमारा आवर टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग दिस सलाइवा विद फूड। और जो हमारी टंग होती है वो सलाइवा की हेल्प से क्या करती है, फूड को मिक्स करती है। द फूड रिमेंस इन कम्प्लीट इन माउथ। बेटा अभी हमारी डाइजेशन प्रोसेस जो है कम्प्लीट नहीं हुई है न्यूट्रिशन, उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, देखिए बेटा, दी स्मॉल इंटेस्टाइन जो छोटी आंत होती है, इज द मेन रीजन फॉर दी एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो डाइजेस्टेड फूड के जो एब्जॉर्प्शन का क्या है, मेन रीजन है। कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन। द इनर सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली। बेटा इसकी जो इनर सरफेस होती है किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की, उस पर कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, विली, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फ्रॉम रेपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ये क्या करती है, डाइजेस्टेड फूड जो होगा उसके एब्जॉर्प्शन के लिए क्या करेगी, उसको बढ़ाएगी। और जो डाइजेस्ट किया हुआ फूड होता है वो क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन की मतलब वॉल के माध्यम से क्या करा जाता है, मतलब एब्जॉर्ब होता है, जो यहाँ मैंने लिखा हुआ है, देखिए एब्जॉर्प्शन डाइजेस्टेड फूड। द डाइजेस्टेड फूड विच इज एब्जॉर्ब थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन गोज इनटू अवर ब्लड। डाइजेस्टेड हुआ फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल के माध्यम से एब्जॉर्ब होता है और हमारे ब्लड में क्या होता है, जाता है। नेक्स्ट है हमारा एसिमिलेशन। द ब्लड कैरीज डाइजेस्ट एंड डिजॉल्व्ड फूड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी वेयर इट बिकम्स एसिमिलेटेड एज पार्ट ऑफ द सेल्स एंड इज यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज एंड द रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यू। बेटा ब्लड जो है उसमें क्या है, वो सभी हिस्सों में क्या है, फूड को डाइजेस्ट और क्या करता है, डिसॉल्व करता है, मतलब डिसॉल्व यानी घोलता है, जहाँ पर सेल्स के जो मतलब सेल्स के जो भी, जहाँ ये क्या करेगा, सेल्स के हिस्सों में मतलब एसिमिलेट हो जाएगा, और इसका जो मतलब यूज़ होगा यानी उपयोग होगा वो क्या होगा, टिश्यूज़ और एनर्जी के निर्माण के लिए इसका यूज़ होता है।
नेक्स्ट है बेटा इजेशंस, दी अनएब्जॉर्ब फूड इज सेंट इन टू दी लार्ज, कहाँ भेज दिया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, वे आर मूव विली, और वहाँ पर जो विली है वो मूव करके एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल, वो क्या करती है इसका एब्जॉर्प्शन कराती है, द वेस्ट ऑफ मटेरियल इज रिमूव्ड, जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उसको क्या करती है ये रिमूव कराती है फ्रॉम द बॉडी या द एनस, किसके थ्रू, एनस के थ्रू, द एक्सिस्ट ऑफ द वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर। बेटा जो भी आपको पढ़ाया जाता है आपके पास अगर बुक है तो प्लीज़ उसको रिवाइज करें, और जो भी समझ नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में लिखें, जो आपका डाउट है हम उसको क्लियर करेंगे, एंड आप लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।